किसका फोन आया? कॉलेज का मैडम, कॉलेज का फोन था। वो तो मन में है, जाने के बाद आए ही नहीं है। लगभग पहाड़ों में ट्रेन और भी देखा हो मेरे लाल बाल के साथ उसको जो वापस एग्जाम देते हैं वो बाईपास कर देते हैं। अच्छा आईएफएस की नहीं नहीं सर वो कर्नाटक में सीसीएफ है। बच्चा बहुत साधारण अपना अब देखोगे तो किसी भी नहीं आपकी चढ़ना हो गया। क्या वो बिल्कुल समाज सेवा देश सेवा करो गरीब बच्चों को ऊंचा चढ़ो मतलब ये महावीर मंडल इंटरनेशनल आते तो उनको हैदराबाद में इंडियन पुलिस डे अभिषेक मतलब आईएएस में 10वीं रैंक आई तो बहुत खुशी हुई। उससे पहले भी वो आईपीएस में सेलेक्टेड है, हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें 250वीं रैंक है। तो अब ये आईएएस में जाया या ये उससे और बहुत टॉप में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी भी। उसका जो दादा का सपना है कि आईएएस बनना तो वो अभी पूरा हुआ दिख रहा है। इसके पहले उसका आईएफएस में भी सिलेक्शन हुआ, आईएफएस में सेकंड रैंक मिली है उसको पिछली बार, और आईपीएस ट्रेनिंग चल रही है और उससे भी और अच्छा है। इस बार उसने करके दिखाया है कि मैं उससे भी बढ़िया करके दिखाऊंगा। तो वो अच्छा ट्रेनिंग लेते हुए भी, ट्रेनिंग के साथ साथ बिना किसी कोचिंग के भी उसने ये पूरा सपना करके दिखा रहा है। हैदराबाद से इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया थे, वापस हैदराबाद ट्रेनिंग में ही चलता रहा लगातार वो, और इंटरव्यू में भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी रैंक, बहुत अच्छे नंबर मिले होंगे, तभी ऑल इंडिया में 10वीं रैंक मिली उसको। पुलिस की मतलब पुलिस की ट्रेनिंग लेते हुए भी उसने इतना अच्छा काम करके दिखाया। उसके पहले वो आईआईटी दिल्ली से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और प्लेसमेंट उसका सिंगापुर, बार्कले और सेंटियागो वगैरह में हुआ, वहाँ भी उसने जॉब की, लेकिन जॉब छोड़ के उसने आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस की है अच्छी। हार्ड ट्रेनिंग के साथ साथ ही इंटरव्यू एग्जाम इंटरव्यू सब दिए और उसके साथ साथ अभी अच्छा रिजल्ट दिया उसने, तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है उसके लिए, बहुत हमारे लिए भी। बड़ा नाम किया उसने परिवार का, भीलवाड़ा का, बहुत मेहनत है, शुरू से मेहनती है, कोई अनावश्यक शौक नहीं उसको। समाज सेवा करना, परिवार के प्रति सेवा, किसी को दुखी नहीं देख सकता है, हर तरफ से आगे, हर कंपटीशन में आगे, हर कंपटीशन देना। टेंथ ओनली उसने एक रेस में टेंथ पास करी है, कपड़े का कोई शौक नहीं था, ओनली किताबें और पढ़ाई। और दादी नानी नाना के पूरा ध्यान रखना, गरीबों के प्रति ध्यान रखना, कोई भी गरीब दिख जाए तो कुछ भी हो उसके पास तुरंत गाड़ी रोक के उसको पूछना, उसको देना। पढ़ाई के प्रति जुनून, कोई भी आ जाता है तो पढ़ते हुए भी सबको अटेंड करना, मतलब उसके लिए क्या कहूँ मैं, बहुत मेहनत करी उस, मतलब ट्रेनिंग लेते हुए भी उसने, मतलब एक दिन के लिए फ्लाइट से आना, वापस इंटरव्यू दे के जाना, कोई पढ़ाई नहीं हुई, रात को 11 बजे सोना, 4 बजे उठना, उस एवज में उसने पढ़ाई करके इंटरव्यू में 10th रैंक हासिल करी, बहुत बड़ी बात है। मेरे को पता है कि मेरे बच्चे कितना सेल्फ रह के कैसे परेशान रह के वो कैसे कर, 9 साल से वो बाहर है, लेकिन कोई अनावश्यक उसके शौक नहीं हुए, चाहे सिंगापुर रहा, चाहे सेंटियागो रहा, उसमें सारा इंडियन कल्चर ही है। ऐसे नहीं कि मैं फॉरेन चला गया तो मैं हाई फाई रहूँ, ऊँची बातें करूँ, कोई शौक नहीं, सबके साथ साधारण रहना। अपनी इंडिया उसको बहुत पसंद है, इसलिए फॉरेन की बड़े बड़े पैकेज छोड़ के दादा का सपना पूरा करने के लिए इंडिया आ गया, और उसने 3 साल मेहनत करी, आज मेहनत रंग लाई है और दादा का सपना पूरा हुआ। दादा जहाँ भी हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं।